हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेगीस किचन कॉर्नर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के बहुत ही टेस्टी लड्डू। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो घर के ही सामान से आप बहुत इजीली इसे बना सकते हो और खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। बस यहाँ पर आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है और खाने में भी उतना ही टेस्टी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने एक कप बारीक वाली सूजी ली है और आधा कप मैंने पिसी हुई शक्कर, इसी कप से मैंने सूजी भी ली है एक कप। और यहाँ पर मैंने आधा कप ही मैंने नारियल लिया है, कच्चा नारियल जिसे मैंने किस लिया था। आप बूरा भी ले सकते हैं नारियल का। दो चार मैंने इसमें इलायची ली है जिसे मैंने क्रश कर लिया था। किशमिश लिए हैं मैंने कुछ। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें काजू बादाम पिस्ता है। इसके बाद मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मलाई ली है, फ्रेश वाली मलाई। इसके बाद हम ले लेंगे एक हैवी बॉटम की कढ़ाई, जिसमें मैंने एक भर के चम्मच घी डाल दिया है। आपके पास अगर पैन है तो आप वो ले लें। इसके बाद हम उसमें डाल देंगे सूजी, एक कप सूजी। नहीं, यहाँ पर घी ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक ही चम्मच, एक या दो चम्मच ही डालना है। इसके बाद हम सूजी को कंटिन्यूसली चला लेंगे। यहाँ पर हमें सूजी को ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना है, हमें इसे 5 से 7 मिनट तक ही रोस्ट करना है। उस बीच में हमें इसे लगातार चलाते रहना है। यहाँ पर हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना है, इसके लिए आपको बर्तन हैवी बॉटम का लेना पड़ेगा, जो आप पैन या कढ़ाई जो भी लेते हैं। बस आप इसे यहाँ पर लगातार चलाते रहे जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। सूजी को भूनते टाइम हमें गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। यहाँ पर सूजी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और मैं आपको एक बार पास से दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने सूजी को 5 से 7 मिनट तक ही भूना है, हमें इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। सूजी भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप फ्रेश नारियल जिसे मैंने किस लिया था। आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। अगर आपको लड्डू ज़्यादा दिन तक चलाने हैं तो आप इसमें सूखा नारियल ही डालें। अगर आप कच्चा नारियल डाल रहे हैं तो आप उसे सूजी के साथ ही डालें और सूजी के साथ ही भून लें उसे। यहाँ पर हम नारियल को भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। सूजी के लड्डू बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स जिसे मैंने अलग से घी में रोस्ट कर लिया था, तो ये भी हम इसमें मिला लेंगे अच्छे से। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 3-4 इलायची जिसे मैंने क्रश कर लिया था। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप उसे डाल दीजिए। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं डाल दूंगी इसमें कुछ पिस्ता, तो उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी आधी कप पिसी हुई शक्कर। आप शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट तक सूजी के साथ शक्कर को अच्छे से भून लेना है, ताकि जो शक्कर है वो सूजी में अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और शक्कर मेल्ट हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मलाई। मलाई मैंने आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ली थी और वो मैंने फ्रेश ली थी। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सूजी के लड्डू बनाएं तो उसे मलाई से ही बनाएं, उसमें दूध ऐड ना करें, नहीं तो वो हलवे जैसा टेस्ट आने लगता है। अगर आपको सूजी थोड़ी सी ड्राई लग रही है तो आप इसमें 1 चम्मच और मलाई ऐड कर सकते हैं। मलाई थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उससे लड्डू और टेस्टी बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो घर में हम दूध गर्म करते हैं ना, उसके ऊपर जो मलाई जम जाती है, तो वही मलाई हमें डालनी है। 2 से 3 मिनट तक हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए कुछ किशमिश। यहाँ पर सूजी, शक्कर और मलाई अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। हमें 5 मिनट ढककर इसलिए रखना है ताकि जो हमारी सूजी है वो थोड़ी सी फूल जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए।
तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि सूजी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। इसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट में। हमें सूजी को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हमें इसे गर्म में ही लड्डू बनाने हैं इसके। अगर आपको मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं, ताकि जो हमारे लड्डू हैं वो अच्छे से बन जाएं। आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत इजीली लड्डू बन रहे हैं और इक्वल साइज़ के आप लड्डू सारे बना लीजिए। मैंने इसमें कोई दूध ऐड नहीं किया, मैंने जब मलाई ऐड करी थी बस उसी से मैं ये लड्डू बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत आराम से लड्डू बन रहे हैं। बस ऐसे ही हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। लड्डू बनाने के बाद मैंने एक कटोरी में नारियल का बूरा लिया है और उसमें मैं लड्डू कोट कर दूंगी। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।